दोस्तों, नया फोन लेने के बाद काफी लोग परेशान हो जाते हैं। अपने नए फोन पर आने के बाद पुराने फोन का डेटा उनको नहीं मिल पाता है, पुराने फोन के कॉन्टैक्ट उनको नहीं मिल पाते हैं, पुराने फोन के फोटोज, वीडियोस, काफी चीजें डिलीट हो जाती हैं जब हम नए फोन में अपनी ईमेल आईडी लॉगिन करते हैं या फिर सिम डालते हैं या जो भी अपना ऑपरेटिंग करना उसी पर नए वाले पर स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी के बारे में डिटेल में समझाऊंगा कि आप कैसे बैकअप ले सकते हैं और कैसे कौन कौन सी ऐसी टिप्स हैं जो कि आप नया फ़ोन पर शिफ्ट होने के बाद भी आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होगी। आप आराम से स्मूथली आप फ़ोन को चलाएंगे, आराम से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो जहाँ भी पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले टिप्स की बात करते हैं कि हमें अपने डेटा का बैकअप सबसे पहले लेना चाहिए। किसमें? पुराने वाले फ़ोन में। बैकअप का मतलब है कि ईमेल आईडी में भी बैकअप हो जाता है, जिसमें मोबाइल नंबर आपके आ जाएंगे और व्हाट्सएप में बैकअप हो जाएगा, व्हाट्सएप के मैसेज आ जाएंगे, या तो पार्शियली आप बैकअप लीजिए। किसी किसी फ़ोन में तो सेपरेट ऐप्स आती हैं कि अगर आप सेम ब्रांड से सेम ब्रांड पर शिफ्ट कर रहे हैं तो इस फ़ोन की सभी डाटा आपको इसमें से शेयर करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। नहीं तो आप दूसरे ऐप्स भी प्ले स्टोर पर से बैकअप नाम डालते ही कई सारे ऐप्स खुलकर आ जाएंगे। आप कोई सा भी ऐप उनमें से यूज कर सकते हैं आपको डेटा शेयर करने के लिए। और अगर पार्शियली आप शेयर करना चाहते हैं कि आप जैसे कि शॉर्टलिस्ट करके कि ये चीज चाहिए ये चीज नहीं चाहिए, तो आप ईमेल आईडी से बैकअप करके सिंक ऑन करके जो भी ऑप्शन आते हैं बैकअप के लिए वो ईमेल आईडी पर सारा बैकअप ले लीजिए। आप गूगल फोटोज में आपने देखा होगा 15 GB का स्पेस मिलता है, तो कम से कम 15 GB का तो बैकअप आप लेकर के दूसरे फोन में ट्रांसफर कर सकते हैं। सो ये बहुत ही छोटी सी टिप्स थी। सो बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। सबसे पहले नया फोन लेने के बाद आपको उस फोन की प्रोटेक्शन पर थोड़ा सा काम करना चाहिए, जैसे कि उसके लिए टीपीयू केस और एक टेम्पर्ड ग्लास। और टीपीयू केस तो कुछ ज़्यादातर फोन्स के साथ में आता ही है, अगर वो आपको पसंद नहीं आ रहा है तो दूसरा टीपीयू केस आप लीजिए, लेकिन वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, अच्छे रबड़ का होना चाहिए। और दूसरा टेम्पर्ड ग्लास, टेम्पर्ड ग्लास भी ये रोड वाला 30 रुपये का 40 रुपये वाला नहीं, कम से कम 200-250-300 का टेम्पर्ड ग्लास हो जो कि प्रोटेक्शन अच्छी तरह से दे आपके फोन को। ऐसा नहीं कि बस जेब्स में रखे ही किसी से ठोकर लगी और चटक गया और आपकी स्क्रीन को भी धज्जियां उड़ा गया, तो एस टाइप के ग्लास नहीं। अगली जो टिप्स है दोस्तों, नया फोन लेने के बाद आपको करना चाहिए, आपके नए फोन का जो EMEI नंबर है उस नंबर को फिजिकली किसी डायरी में या किसी पेपर में लिख करके रख लीजिए या दूसरे फोन में सेव करके रख लीजिए, जिससे आपको आसानी ये होगी कि अगर वो फोन खो जाता है, फोन के बॉक्सेस, फोन के कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आपको आसानी ये होगी कभी भी कोई भी कंप्लेंट वगैरह लिखवाने के लिए। आपको फिजिकली वाला जहां भी लिख कर रखा है आपने वहां से उठाया और आपने लिखा और आपने कंप्लेंट किया, फिर जो भी काम EMEI नंबर से होता है वो आप आसानी से कर सकते हैं। और अगर आपका EMEI नंबर ही खो गया है तो आप EMEI नंबर के वाला काम कोई भी आसानी से नहीं कर पाएंगे और आपका फोन से हाथ धोना पड़ सकता है। अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है दोस्तों, नया फोन लेने के बाद आप जो कि नया फोन होता है वो काफी मैन्युफैक्चरिंग होने के बनने के जस्ट बाद वो सेल के लिए चला जाता है और आप उसको लीजिए और वो एक तो कितने दिन पहले वो बैटरी चार्ज हुई है, कब वो फुल की गई थी और डायरेक्ट आपके इन हैंड आई है और आप उस पर चलाना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे 4-4 घंटे 5-5 घंटे लगे, ये नया फोन है भाई, सबके सिस्टम चेक करना है, ये इसमें क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है। सो ऐसा नहीं करना है, डोंट हसल विद योर फोन्स बैटरी। आपकी बैटरी के साथ हसल नहीं करना, मेहनत नहीं करना है कि उसको बहुत ही ज़्यादा एकदम 0% पर लाकर ही छोड़ो उसको, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस थोड़ा सा ही चलाइए, धीरे धीरे चलाइए, एक दिन में 2 दिन में ख़त्म करिए, फिर उसके बाद दोबारा से उसको 100% चार्ज करिए, उसके बाद आराम से यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन पहली बार में बैटरी को ध्यान से खर्च करिए, ये बहुत ही छोटी चीज़ है लेकिन ध्यान देने वाली है। सो नेक्स्ट टिप्स पर बढ़ते हैं दोस्तों, उसमें आता है सिंक, ऑलवेज सिंक ऑन रखिए। सिंक ऑन डेटा का पर्पज ये होता है कि ईमेल आईडी वाले सेक्शन में जब सेटिंग में से आप चेक करने जाएंगे तो एक सिंक का ऑप्शन आता है, तो सिंक ऑन हमेशा रखने से फ़ायदा ये होगा कि आप अगर जैसे भी कोई भी फोटो क्लिक करते हैं तो सिंक ऑन होने से जस्ट वो तुरंत बैकअप में चला जाता है, गूगल फोटोज में सेव हो जाता है। अब आप अपने फ़ोन की गैलरी में अगर उस फोटो को डिलीट भी कर देते हैं तो आपके पास बैकअप पेज एक बना रहेगा और वो फोटो बचा रहेगा, जिससे आपकी फ़ोटो डिलीट नहीं होगी और आपका डेटा सेफ रहेगा। तो सिंक ऑन का फ़ायदा सबसे बड़ा ये है, सेटिंग में जाकर के आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे कहां से सिंक ऑन करना है। सो ऐसे ही अपने टिप्स को आजमाइए और जाकर के ऑन करिए। अब अगली टिप्स आती है दोस्तों, अगर एक नया फोन लेने के बाद जो कि
एक फीचर फोन के बाद कोई आदमी शिफ्ट करता है किसी स्मार्टफोन के ऊपर, तो उसको समझ में नहीं आता है कि कौन सा, मतलब उसका लॉन्चर उसको समझ में नहीं आता। बाई चांस नॉर्मल यूजर के भी साथ हो सकता है, स्मार्टफोन से स्मार्टफोन पर शिफ्ट किया है तो उसको आदत अगर रेडमी वाले की है तो उसको रियलमी का लॉन्चर समझ में नहीं आता या वन प्लस का लॉन्चर समझ में नहीं आता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप कोई भी नॉर्मल सा लॉन्चर इंस्टॉल करिए और अप्लाई करिए अपने स्मार्टफोन में, जो कि प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। अगर किसी नॉर्मल लॉन्चर्स की बात करूँ तो नोवा लॉन्चर है और भी एक दो लॉन्चर जो कि अच्छे अच्छे लॉन्चर हैं जिनको आप इंस्टॉल करके देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, जो कि सिंपल टू इजी हैं और आराम से यूज़ कर सकते हैं। कोई भी इजी टू यूज़ है, कहने का मतलब कोई भी यूज़ कर सकता है। सो ऐसा कोई लॉन्चर यूज़ करिए अगर समझ में नहीं आता है तो, वरना जो ऑफिशियली लॉन्चर आपको मिला है उसी को चलाइए, वो सबसे बेस्ट होता है। नेक्स्ट टिप्स जो है दोस्तों वो है अपडेट के बारे में। अपने फ़ोन पर रेगुलरली अपडेट को चेक किया कीजिए। हर महीने एक तो सिक्योरिटी अपडेट आता है, लगभग कई कंपनियां दो दो साल तक सिक्योरिटी अपडेट देती हैं। सो आप हर महीने चेक करिए सिक्योरिटी अपडेट को करने के लिए। सिक्योरिटी सिस्टम को अप टू डेट रखने से होगा ये कि कोई भी अगर आपका फ़ोन को हैक करना चाहता है तो पार्शियली आपको वो हैक नहीं कर पाएगा, ज़्यादातर चांसेस है कि आपका फ़ोन बच जाएगा। अगर कोई तगड़ा हैकर है, आपका संबंधी किसी उस लेवल वाले जगह से है तो आपको बचकर रहना होगा, लेकिन नॉर्मल यूज़र की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल यूज़र को अपना सिक्योरिटी अपडेट अप टू डेट रखना चाहिए जिससे आपका फ़ोन सेफ रहेगा और कोई भी उसमें फिशिंग या कोई भी अटैक, कोई भी वायरस अटैक नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट टिप्स है दोस्तों अनइंस्टॉल ब्लॉटवेयर। नया फ़ोन हम जब भी लेते हैं ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ केसेस होता है चाइनीज़ स्मार्टफोन के साथ ब्लॉटवेयर ऐप्स आपके सामने आ जाते हैं, उन सबको अनइंस्टॉल कीजिए, क्योंकि वो सभी गेम बहुत ही बकवास गेम होते हैं और बकवास एप्लीकेशन होते हैं, किसी काम के नहीं होते हैं और कोई भी इनका पर्पस नहीं होता है। रैम को फुल रखेंगी और आपके फ़ोन का डेटा यूज़ करेंगी और सिक्योरिटी का भी बहुत बड़ा खतरा बना रहता है, क्योंकि चाइनीज़ फ़ोन में सबसे ज़्यादा ब्लॉटवेयर आते हैं और चाइना इस मामले में सबसे ज़्यादा बदनाम दुनिया में है, जो कि दूसरे का डेटा चुराने में, दूसरे का फ़ोन हैक करने में, सिक्योरिटी अटैक्स करने में, अब आगे मैं नहीं बोलूँगा। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बेस्ट पॉइंट मेरे हिसाब से, अगर आपने कोई नया फ़ोन लिया है और आपने 5 दिन चलाया है और आपका मन नहीं लग रहा है तो बेहतर यही है कि आप कम से कम 1 महीना उस फ़ोन को चलाइए। फ़ोन आपका है, हर ऑप्शन, हर सेटिंग, हर फंक्शन में जा कर के आप एक बार ट्राई कीजिए क्या फंक्शन किस लिए है, कौन सा सेटिंग किस लिए है, कौन सी इसमें सिस्टम किस लिए दिया गया है, तो उसको समझिए, अंडरस्टैंड योर डिवाइस बेसिकली, बस उसको समझिए। जब आप 1 महीने 1.5 महीने बाद उसको समझ जाएंगे तो आपको चलाने में आसानी होगी। जब एक बार आप अपने फोन को समझ जाएंगे तो उसके बाद आपको चलाने में बहुत ही आसानी होगी और आराम से आप उसको चलाएंगे और इजी टू यूज हो जाएगा, हैंडी हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब लास्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि बग्स का है। अगर आपने नया फोन लिया है, आपके फोन में कोई भी बग आ रहा है, यानी कि यूज करते हुए रुक जा रहा है, शटर डाउन करते ही उसके सारे फंक्शंस गायब हो जा रहे हैं, या कोई भी बग मतलब कि छोटी छोटी कमियां होना, जैसे कि कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ग्लिचेस आना, कोई गेम खेल रहे हैं तो गेम पूरा कट करके स्विच ऑफ हो गया, स्विच ऑफ से ऑन होने लग रहा है, अपने आप ही कुछ भी होने लग रहा है, तो उसको बग कहते हैं। अगर ऐसा बग आता है तो वो डेंजरस है, तुरंत फ़ोन को आप रिटर्न मारिए, रिप्लेस करिए या एक्सचेंज करिए, जो भी करिए, लेकिन वो फ़ोन आपको नहीं चलाना है, क्योंकि वो घाटे का सौदा है, आपका फ़ोन वो ख़राब आ चुका है कंपनी की तरफ से, बाई मिस्टेक हो सकता है ऐसा, तो उसको वापस करिए। सो दोस्तों आज की वीडियो में यही टिप्स एंड ट्रिक्स थी, अगर आप नया फ़ोन लेते हैं तो आपको कैसे यूज़ करना है, क्या उसमें अप्लाई करने हैं, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई करने हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, बिना सब्सक्राइब करें नहीं जाना है।